सबसे पहले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आईपीएल में सिर्फ बाबर आजम की कमी है, मुतबर साबिक खिलाड़ी ने भारतीयों को छेड़ दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय का इजहार जरूर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इतना जरूर बता दें कि क्या आईपीएल में बाबर आजम को होना चाहिए और क्या बाबर आजम को आईपीएल का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं। इस हवाले से कमेंट सेक्शन आपके कमेंट्स का मुंतजर रहेगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान नासिर हुसैन ने कहा कि बाबर आजम के बगैर दौरे हाजिर के शानदार बल्लेबाजों की फेहरिस्त मुकम्मल नहीं, उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में होना चाहिए। एक इंटरव्यू में इंग्लिश टीम के साबिक कप्तान ने कहा कि पाकिस्तान और भारत की सियासत में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन बासलायत नौजवान बैट्समैन को आईपीएल में खेलता नजर आना चाहिए। नासिर हुसैन का कहना था कि कमा दौर हाजिर के शानदार चार बल्लेबाजों की फेहरिस्त में विराट कोहली, टिम स्मिथ, केन विलियमसन और जो रूट को शामिल किया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये शानदार पांच होना चाहिए और बाबर आजम के बगैर ये फेहरिस्त मुकम्मल नहीं। वादा रहे कि नासिर हुसैन हमेशा से ही बाबर आजम के मुदार रहे हैं, जबकि दुनिया भर के तकरीबन तमाम ही नामवर खिलाड़ी बाबर आजम की सलाहियतों के मुतर्रफ हैं और उन्हें मुस्तकबिल का अजीम बल्लेबाज करार दिया जा रहा है। तो दोस्त, ये थी बाबर आजम और आईपीएल के हवाले से कुछ अपडेट। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।